नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में कुछ और सेवाओं को मिली राहत, पिस्तौल के साथ धरा गया अपराधी, तन्हाई में कटेगा मुख्तार का वक्त। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लॉकडाउन में कुछ और सेवाओं को मिली राहत। लॉकडाउन में कुछ और सेवाओं को मिली राहत, नियम तोड़ने वालों पर 1000 का जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला रोकने के लिए लॉकडाउन किया है। 4 अप्रैल के आदेश से आवश्यक सेवा छोड़ अन्य सेवाओं को बंद कर दिया। 6 अप्रैल को संशोधित आदेश जारी कर 5 सेवाओं को आवश्यक श्रेणी में शामिल किया है। उसी के साथ कुछ अन्य सेवाओं को सशर्त राहत दी है। पेट्रोलियम उत्पाद, सभी कार्गो सर्विस, डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाता, सरकारी तथा निजी सुरक्षा सेवा, फल विक्रेता, यह सब चालू रहेगा। यात्रा के लिए रात 8 से सुबह 7 तक राहत। बस, रेलवे तथा हवाई यात्रियों को राहत दी गई है। बस शर्त, यात्रा का वैध टिकट दिखाना होगा। औद्योगिक कामगारों को निजी वाहन से रात 8 से सुबह 7 बजे तक काम पर जाने की अनुमति, किंतु कंपनी का पहचान पत्र आवश्यक। धार्मिक स्थल पर नियमित सेवादार को प्रवेश। धार्मिक स्थल में सामान्य नागरिकों को प्रवेश बंद, लेकिन नियमित सेवादार का विशेष कार्य के लिए प्रवेश रहेगा। परीक्षार्थी यात्रा कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को रात 8 बजे के बाद भी घर लौटने की अनुमति रहेगी। परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। विवाह समारोह को राहत। पूर्व निर्धारित विवाह को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेने पर राहत मिलेगी। कोविड से दिशा निर्देशों का पालन जरूरी। घरेलू कामगार, ड्राइवर, रसोइयों को रात 8 बजे के बाद जाने आने की अनुमति रहेगी, किंतु साथ पहचान पत्र रखना आवश्यक रहेगा। तो वही दूसरी ओर पिस्तौल के साथ धरा गया अपराधी। गिट्टी खदान पुलिस ने मंगलवार को गश्त के दौरान मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर एक अपराधी को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पटेल नगर बोरगांव निवासी आबिद अजील मुल्ला शेख बताया गया है। आबिद के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। मंगलवार की दोपहर पुलिस दस्ता परिसर के साथ गश्त कर रहा था। इसी दौरान जानकारी मिली कि बोरगांव परिसर में रहने वाला आबिद पिस्तौल लेकर परिसर में घूम रहा है, परंतु पुलिस दस्ते ने परिसर की घेराबंदी की। शिंगने के खेत के पास पुलिस ने आबिद कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी विनीता साहू, एसीपी बीएन नालवड़े और इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर दत्ता पेंडेकर, डीसी पटेल, हेड कांस्टेबल युवराज ढोले, इमरान शेख, ईशांक आटे, संतोष शेंद्रे और आशीष बावनकर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वही तीसरी ओर तन्हाई में कटेगा मुख्तार का वक्त। पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक 14.5 घंटे से सफर के बाद गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी बुधवार तड़के 4:30 बजे बांदा जेल पहुंच गया। पंजाब में जहां मुख्तार व्हीलचेयर से एम्बुलेंस में सवार हुआ था, वही बांदा जेल में वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अंदर गया। डॉक्टर्स के पैनल की जांच में वह पूरी तरह फिट पाया गया। हालांकि वह घबराया हुआ था। बांदा जेल में मुख्तार का जेल प्रशासन ने सरप्राइज दिया। शुरुआत में उसे बैरक नंबर 15 में रखे जाने का फैसला लिया गया था। इस बैरक में मुख्तार पहले भी रह चुका है, लेकिन अब उसे बैरक नंबर 16 में भेज दिया गया। उसका कोरोना टेस्ट होना है, इसलिए रिपोर्ट आने के बाद उसे बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। इसे तन्हाई जेल भी कहा जाता है, यानी इस बैरक में कोई और कैदी नहीं होगा। इस बैरक में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।